Okay, very good evening, Smarties. Welcome back. Sorry, there was a slight change in your schedule. आज ही के लिए था वो, मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी थी और मैं इनफैक्ट थोड़ा सा टाइम कहीं बिजी हो गया था. अब चलते हैं आज के सेशन पे, 30 क्वेश्चन का सेशन. लेकिन उसके पहले माय डियर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ दोज हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड एमपीटेट एंड दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर मेंस, तो ये जो है फ्रेशर्स नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन बड़ा अच्छा मौका है उन सबको. एमपी में 1700 वैकेंसीज आई हैं पीजीटी लेक्चरशिप के लिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होता है एमए प्लस बीएड. यूपी में ही एक यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती लेक्चरशिप के लिए. बट आने वाले समय में वो कब अप्लाई कर दें, कब उनको कब उसकी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल कर लें, आप नहीं कह सकते. सो बीएड इज अ मस्ट इन टाइम्स टू कम, आप उसको जरूर करिएगा. हम आज के सेशन को शुरू करेंगे एंड आर सेशन इज टुडे. और हम पीजीटी और टीजीटी सवाल, चूंकि मैं सिलेबस देखा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैं इंटरेस्टेड हो गया. सिलेबस इतना आसान है कि आपको कराया जा सकता, थोड़ा सा लेंथी है जरूर, उसमें एनसीईआरटी वगैरह को फॉलो किया गया है. तो आप केवल इस सेशन को, पूरे सेशन को जो 10 बजे मैं देता हूँ, रेगुलर देता हूँ, अगर आप केवल इन सेशन को देखते रहें, डेफिनेटली यू विल गेन एन अपर हैंड, नॉट टू स्पीक ऑफ एमपी एग्जाम, एनी एग्जाम कंडक्टेड इन इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया. मैं आई गारंटी दिस, इफ यू डिमांड आई कैन गिव इन ब्लैक एंड व्हाइट. सारे देखते रहो, इंडिया के कहीं भी इस तरीके के एग्जाम होंगे, जो वन फेज का एग्जाम होगा, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं. तुलनात्मक रूप से अगर देखें और किताबों की तुलना में सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो दिया जाता है आपको, एक बढ़िया टीम मेहनत करके आपको बनाती है, उसके बाद मिलता है. ये अलग बात है, इजी टू मॉडरेट टू टफ रहता है. पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइम बाई कमला दास. कमला दास की कौन सी पोइम नहीं है? द फ्रीक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जजूरी, अ हॉट नून इन मेलाबर. आई थिंक ये आप आसानी से बता पाएंगे ये कौन सा है. पहला सवाल आप देखें आज के डेट में, तो ये जो है कौन सी पोइम है जो कमला दास की नहीं है? तो आपको यहाँ पर एक पोइम दिख रहा होगा, अरुण कोलाटकर की पोइम है ये. अरुण कोलाटकर एक महाराष्ट्र के पुणे के, आप इंडियन पोइट हैं. अरुण कोलाटकर की पोइम है ये, और ये सीरीज में आई थी 1976 के आसपास आई थी, और ये 31 सीरीज के अंदर. जजूरी एक्चुअली एक प्लेस है, एक टेम्पल है यहाँ पर. जजूरी इज अ प्लेस इन पुणे एंड पुणे इज इन महाराष्ट्र. तो ठीक है, क्योंकि अरुण कोलाटकर को आपको पढ़ना नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, बट चूंकि ये कमला दास जी हैं, इनकी आप जानते हैं कई चीज़ों के लिए, आप जानते हैं अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट के लिए जानते हैं, या अल्लाह के लिए जानते हैं, या आप माई स्टोरी के लिए जानते हैं, एंटी कथा जो है, हाँ माई स्टोरी इनकी बेहतरीन ऑटोबायोग्राफी है जो 1976 में अंग्रेजी में आया था. इसके पहले जो है वो उन्होंने केरला में मतलब मलयालम लैंग्वेज में लिखा था. तो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज और माय डियर आप पढ़ते रहिए बस. अच्छा, ये जो मैं बार को बार आपको एक बात बता दूं, माय डियर कहता रहता हूँ, दरअसल ये एक कैच फ्रेज हो गया है. जब मैं ठीक से नॉवल पढ़ रहा था ओलिवर ट्विस्ट, तो उसमें वो जो बदमाश है ना, वो भी माय डियर कहता रहता है. तो आप उससे थोड़ा सा कोरिलेट मत करिएगा, जिसे मैंने बता दिया कि फेजिन का एक पेट डायलाग है, वो माय डियर कहता रहता है, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है. एक कैवेट के रूप में, एक प्रीमोनिशन के रूप में, मैं पहले से आई सेग्रीग्रेट माई सेल्फ, मैं पहले से उससे अलग कर ले रहा हूँ. बस आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं. सबके लिए रोशनी, टीजीटी पीजीटी नहीं, पहले है तो टीजीटी पीजीटी के लिए, दुनिया में जितने एग्जाम होंगे इंडिया में सबके लिए है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके नेट में या गेट में कमला दास नहीं आएंगे या अरुण कोलाटकर नहीं आएंगे. कमला दास तो आपके यहाँ पीजीटी में है ही, लेकिन वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ढंग से आपको पता होना चाहिए इंडियन राइटर्स के. ग्रैनविल बार्कर, अब ये तो आपके टीजीटी में है ना, ग्रैनविल बार्कर नहीं है. ग्रैनविल बार्कर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गालजोर दिस फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्टिंग वन. एक प्ले को छोड़ करके बाकी सारे प्लेज के आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन के स्टेज पे लाने के लिए जाने जाते हैं. जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, द स्ट्राइफ, लॉयल्टी. कौन सा प्ले था जिससे उनका संबंध नहीं था? वैसे ग्रैनविल बार्कर का नाम आप जान लो, क्योंकि इन्होंने ही कहा है. क्या कहा है मैं बता दूं, इन्होंने कहा है पोलोनियस को. इन्होंने क्या कहा है पोलोनियस? अब पोलोनियस मत बताना, पूछना कि सर ये पोलोनियस कौन है. पोलोनियस जो है ओफिलिया के पापा है. अब ओफिलिया कौन है? हैमलेट के डग डायमंड है. अब डग डायमंड क्या होता है, यू नो दैट, आई नीड नॉट एक्सप्लेन. पोलोनियस के लिए कहा है इन्होंने वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे, सॉरी
इज वे टू रोम। तो ये जो लाइन अक्सर आपने देखा है कई कई सड़क छाप किताबों में मिल जाता है कि ये हैमलेट के लिए कहा गया, ये हैमलेट में लाइन आई है, ये लाइन किसी कैरेक्टर ने नहीं गाया, ये लाइन ग्रैनविल बार्कर ने पोलोनियस के लिए कहा है। हैमलेट भी कुछ इसी से मिलता जुलता कहता है पोलोनियस के बारे में, उसे मतलब फिशमॉन्गर बोलता है और वाइजेकर भी बोलता है लेकिन उर्दू से, और विलियम हैजलेट ने भी पोलोनियस को कुछ इस तरीके से ऑफिसर्स फूल कह के बताया है। तो यहाँ पर क्या है, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, और यहाँ पर सिल्वर बॉक्स एक ऐसा पहला जो था जो उनको स्टारडम पे लाती है, तो ये उनका डेब्यू है आप कह सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, द सिल्वर बॉक्स इज द राइट आंसर माय डियर, तो यू ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर, सिल्वर बॉक्स, बाकी स्ट्राइफ, लॉयल्टी, जस्टिस, हाँ ये सब आप जानते हैं। कल भी मैंने पूछा था जस्टिस का टाइटल क्या है, 125 क्वेश्चन में कल आपको 125 क्वेश्चन बताएंगे ना, तो 125 क्वेश्चन में कई लोग जो निराश हैं, निराश उराश नहीं होना है, वो पेपर स्टैंडर्ड था, मतलब स्टैंडर्ड मतलब जीरो से लेवल का था, तो जीरो के लेवल का मतलब तो यही है ना कि आपको आसान से लेकर के टफ तक बताया जाए। तो 125 में अगर मुझे लगता है कि आप 90 के आसपास हैं तो यू आर एट वेरी गुड पोजिशन, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा, इसको इम्प्रूव करना है। 90 के नीचे हैं तो थोड़ा सा आपको यू मस्ट बी वरीड, अगर 70 है उसके आसपास हैं तो रियली इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है। खैर चिंता जैसा कुछ होता नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, आई रिपीट विद द डीपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको मान लो 70 के नीचे के आप 50 भी कर पाए हैं, फिर भी अभी आपके पास यू हैव सफिशियंट टाइम। मैं बता रहा हूँ 70 से आप 110 पहुँचने में अगर आप 3 महीना जम के कर दो ना, आसानी से पहुंचा जा सकता है। फोकस क्या करना है, जाके आज क्या करना ना, चुप कर इसे खत्म होने के बाद ना फिर वीडियो के एक बार पूरा देखना, आप ये देखना कि आपको क्या नहीं आया था, क्योंकि मैं मुझसे बेहतर आप जानेंगे कि आप कहां फंसे थे, उस पोर्शन को आपको कैटेगराइज कर लेना है कि ये पोर्शन मुझे वीक रहा। और हर इंसान जानता है, हर स्टूडेंट जानता है कि उसका कौन सा पोर्शन वीक है, एवरीबॉडी नोस, ये अलग बात है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता, पीपल फ्राउन टू एक्सेप्ट, बट मुझे लगता है कि अपनी वीकनेस को समझो और उसको फोकस करो। अगर आपका वीकनेस वोकैब पॉइंट है तो उसको फोकस करो, आपका वीकनेस ग्रामर है तो उसको फोकस करो, आपका वीकनेस पर्टिकुलर ऑथर है तो उस पर फोकस करो, मैं बता अगर आपका वीकनेस लिटरेरी टर्म्स है तो उस पर फोकस करो, आज जाके फिर से उस वीडियो को देखो। मैं बता रहा हूँ 125 क्वेश्चन में जो आपको दिए गए हैं वो आप 90+ हैं, बहुत अच्छी है, जिन्होंने 110 किया है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सारी स्मार्टीज से इतनी सी उम्मीद किया हूँ, जो स्मार्टीज हैं अगर इससे कम है तो मैं उनसे थोड़ा सा खुश नहीं हूँ, बट मुझे अच्छी मुझे खुशी इस बात से हुई कि ज़्यादातर लोगों को रेस्पॉन्ड सब ने, ज़्यादातर स्मार्टीज लगभग 100+ हैं, ये अच्छी बात है। और ऐसे कई भी सीरीज में लाऊंगा तो ऐप पे डाल दूंगा, अगर पब्लिक नहीं देता हूं तो ऐप पे आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं पब्लिक पे भी देता रहूं, मैं बिकॉज मैं तो सबके लिए हूं। हाँ तो ठीक है, जो सबको मिल पाएगा वो जरूर मिलेगा, आप लोग मेहनत करिए। आगे चलते हैं, और ये सिल्वर बॉक्स हो गया। इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलेस्ट लेवल वर्ड्स विद रिजेंबल्स, मतलब ये जो टेक्निकल सवाल है ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी हो सकता है, क्योंकि कई बार स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया है या एंट्रेंस लेवल के एग्जाम में पूछा गया है कि जॉर्ज क्रैब, विलियम काउपर, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, हालांकि रॉबर्ट बर्न्स से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, नहीं वो तुक्का उक्का मिला के, उसमें अंशु जी परेशान होने की बात नहीं, तुक्का सुक्का सब मिला के 100+, वो जब आप एग्जाम देंगे उसमें कुछ तो तुक्के सही होंगे आपको, वो तुक्का सुक्का मिला के अगर आपका 100+ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू आर एट गुड पोजिशन, कोई घबराने की बात, हाँ लेकिन अगर आप 70 के आसपास हैं तब थोड़ा सा चिंता की बात है, मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हो पाएगा, अभी भी बहुत टाइम है, अगर उस दिन से शुरू कर देंगे ना जिस दिन से आपका 70 आया है 65 आया, उस दिन से शुरू कर देंगे एग्जाम की डेट तक ना, मैं बता रहा हूँ 70 से 100 पहुँचने में, 105 पहुँचने में 3 से 4 महीना लगेगा, बट हाँ फिर लगना पड़ेगा आपको, मतलब ये मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील, फील, डील, मतलब रील, फील, डील और मील, भोजन भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, ज़्यादा भोजन करोगे नींद आ जाएगी। और एक और टेक्निक बता रहा हूँ आपको, मैं आपको नींद क्यों आती है, मुझे लगता है कि मुझे नींद कम आती है, तो मैं जब मैं मेरे भी गुरुज हैं, मैं उनसे कंसल्ट किया तो मैंने कहा सर मुझे नींद नहीं आती, तो रूटीन, उन्होंने कहा रूटीन अपना लिख के बताओ, तो मैंने लिख के पूरा रूटीन दिया, तो कहा इट्स गुड, हम कहे आपको नींद क्यों नहीं आती, तो नींद ना आपकी नींद देखो, कुछ लोग 6 घंटे में होते हैं, कुछ लोगों की नींद 4 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन 4 घंटे वाले जो होते हैं वो स्पेशल केस में होता है,
और ये आप भी कर सकते, कैसे जानते हो? आप जीवन में क्या करिए करो, लंबी लंबी सांसें, जब भी आपको मौका मिले लंबी लंबी सांसें लिया करो। ऑक्सीजन आपके बॉडी में जितना ज्यादा आएगा उतनी ज्यादा उतनी कम नींद आपको आएगी, और वो नींद आपको नुकसान नहीं करेगी कम नींद। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, साइंटिफिकली प्रूवन बात कर रहा हूं मैं ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, इट हैज बीन प्रूवन साइंटिफिकली। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है तो आपको नींद कम आएगी, लेकिन जो नींद आएगी 2 घंटा 3 घंटा वो साउंड आएगी, वो कंप्लीट कर लेगी 6 घंटे के बराबर। तो आप अपनी नींद को कम कर सकते हैं, ये एक तरीका है। मैं बहुत सारी चीजें वैसे भी बताता हूं, तो यहां पर जॉर्ज क्रैब आपका आंसर है, बाकी और चीजें आप खुद सीखते रहिए दोस्त, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, द मोर यू स्पेंड टाइम विद बुक्स, ये सोशल मीडिया छोड़ दो, मैंने मतलब सब कुछ छोड़ दो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर तो आप वैसे भी कम चलाते होंगे, मैं तो हूं ही नहीं उस पर, जबकि होना चाहिए। और एजेंट प्रॉप थिएटर, अब एजेंट प्रॉप थिएटर दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे बना है? एजिटेशन आप समझ रहे हैं, प्लस प्रोपोगेंडा। अब माय डियर, ये जो है एजिट प्रोपोगेंडा नाम आया, आप समझ गए उसमें, एजिट प्रॉप थिएटर का क्या मतलब हुआ? अगर ये दोनों शब्द मिलके इस प्रकार के बने हुए शब्दों को कहते हैं आप, पोर्टमैंटू कहते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? पोर्टमैंटू कहते हैं, पोर्टमैंटू। व्हेन टू वर्ड्स आर पैक्ड इनटू वन टू कॉइन अ न्यू वर्ड इज कॉल्ड पोर्टमैंटू। जब दो शब्दों को मिला करके एक शब्द बना दिया जाता है तो उसे पोर्टमैंटू या न्यू वर्ड कहा जाता है, उसे पोर्टमैंटू कहा जाता है। आपके एग्जाम में पोर्टमैंटू का प्लुरल भी आएगा, तो यहां केवल एक्स बढ़ा देना, अगर इसमें केवल एक्स बढ़ा दोगे तो ये पोर्टमैंटू का प्लुरल हो जाएगा, जैसे ब्यूरो का ब्यूरोज होता है, ठीक है। तो ये पोर्टमैंटू का मतलब होता है दो शब्दों को, जैसे आपने देखा होगा, मैं अक्सर बताता हूं, ये बॉलीवुड है साहब, बॉलीवुड आप समझ रहे हैं, बॉलीवुड ने देश का मुझे लगता है कि काफी नुकसान किया है बेरोजगारी बढ़ाने में, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और जैसे आप बॉम्बे है, ये बॉम्बे है, और हॉलीवुड आप जानते हैं अमेरिका, हॉलीवुड, ये मिलकर बना है बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड इंडिया की देन आप कह सकते हैं, नहीं है, ओरिजिनली इट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम हॉलीवुड, वी आर वेरी मास्टर इन कॉपिंग, तो हम सब जानते हैं कॉपी करने में तो माहिर हैं। तो ये जो है, ये ब्रेक्सियन ड्रामा जो है, ब्रेक्सियन ड्रामा क्या था? अब एपिक थिएटर के लिए आप इनको जानते हैं, एपिक थिएटर के लिए आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एपिक थिएटर के लिए आप इनको जानते हैं। एपिक थिएटर क्या था उसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं, एमएच चैप्टर में पढ़ाते हुए, लेकिन आपका आंसर जो है मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म का प्रयोग करते हुए, ये आपका सही आंसर है माय डियर, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु रोट द फोरवर्ड टू आनंद नॉवेल, आनंद मतलब मुल्कराज आनंद नॉवेल, अनटचेबल। अनटचेबल एक ऐसा नॉवेल था जिसमें बखा और लखा की कहानी है, और आपको पढ़नी जरूर चाहिए। अगर आप देखो, ज्यादा पढ़ लेने के बाद आदमी दो चीज बन जाएगा, मुझे ऐसा महसूस होता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो हमेशा डेमोक्रेटिक होगा, वो सबके बारे में सोचेगा, मतलब ऐसा नहीं है, वो बहुत रैस नहीं हो सकता, वो बहुत अरोगेंट नहीं हो सकता, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकता, वो सबके बारे में सोच लेता है। तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसके लिए एक सीधी सी शब्द, एक सीधा सा लाइन मेरी नजर में आता है, वो डेमोक्रेटिक आदमी होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब जो सबके बारे में सोच लेता है, सबके अधिकारों का, सिर्फ अपनी बात नहीं करेगा, वो सबके बराबर देखेगा, तो वो डेमोक्रेटिक होता है। और ऐसा पढ़ लेने के बाद फिर आपके अंदर वो सॉक्रेटिस वाली फीलिंग आती है, जब आप डेमोक्रेटिक हो जाते हैं तब आपके अंदर आ जाता है कि आप ज्ञानी नहीं है, तब तो सुकरात बन जाते हैं ना। सुकरात क्या कहता है? आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, मुझे एक बात पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। जो कम जानता तो ऐसे स्वयं तन के चलता है, हाँ, मेलबोलियो की तरह ना, ऐसे तन के, जो कम जानता है, जो उससे कम जानता है तो दबा कुचला रहता है, एकदम दबा रहता है, वो कुछ बोलता ही नहीं। जो ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्यादा, वो हम्बल हो जाता है, वो मुस्कुराता रहता है, उसको पता है कि वो कुछ नहीं जानता। जो दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होगा वो क्या होगा जानते हो? वो मुस्कुराता रहता है किसी बात पे कि ये तो, क्योंकि उसे ही ज्ञान हो गया है कि सब कुछ कभी जाना ही नहीं जा सकता। तब वो एजी गार्डिनर का ऐसे पढ़े, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, वो लेशन आप पढ़िए, मजा आ जाएगा। तब आपको एहसास होगा यार, सब कुछ तो कभी सीखा ही नहीं जा सकता। फिर आप सॉक्रेटिस पे आ जाएंगे, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, भैया मैं एक ही बात में जानता हूं कि मैं वास्तव में कुछ जानता ही नहीं, ठीक है, जो भी जानता हूं वो एम्पिरिसिज्म है,
एक प्रकार का ईएम फोस्टर, रडयार्ड किपलिंग, आरके नारायण, ग्राहम ग्रीन। तो आनंद के नॉवेल का फोरोर, आनंद का ये कहना उचित नहीं है, मैं इनका बड़ा सम्मान करना चाहिए मुझे। ये डेमोक्रेटिक राइटर रहे, बहुत बड़े राइटर रहे और महात्मा गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते रहे, इन्फ्लुएंस रहे, साबरमती आश्रम में भी रहे, अपनी नॉवेल्स को दिखाए कि सर ये नॉवेल तो गांधी जी ने इनको सजेशन दिया कि आपका जो नॉवेल लग रहा है अनटचेबल, ये लग रहा है कि ये आम आदमी के लिए नहीं लिखी गई, ये लग रहा है ब्लूम्सबरी के इंटेलेक्चुअल्स इसमें घुसे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग आम आदमी नहीं करता। तो नॉवेल जो होता है, जैसे आप मुल्कराज आनंद को पढ़िए या आर के नारायण को पढ़िए, ठीक है, या जो भी राजा राव को पढ़िए, इन लोगों के नॉवेल्स में एक चीज़ बड़ी सिमिलरिटी जो मुझे दिखती है कि लैंग्वेज का प्रयोग बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है, बहुत घुमा फिरा के सलमान रुश्दी की तरह फ्लॉरी लैंग्वेज नहीं है या अरुंधति राय की तरह अल्ट्रा फ्लॉरी लैंग्वेज नहीं है। अरुंधति राय ने एक नॉवेल लिखी, दूसरी नॉवेल मैं उसको अभी हाल ही में फिनिश कर रहा हूँ, हालांकि ठीक से पढ़ना था तो फिर से फिनिश करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि वो अल्ट्रा फ्लॉरी लिख दी है, ऐसे लिखने की क्या जरूरत है यार, मतलब वो रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन उसको बड़े सराहते हैं लोग, बड़ी तारीफ ही करते हैं। तो ये भी एक चीज है। तो ये आप देख रहे हैं द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फेनोमेना, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ असेंट ऑफ फेम और द वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज। तो ये क्या होता है, आप देख रहे हो लास्ट पेज पे चल रहा है बंदा, तो ये क्या है यहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि 1798 में जब लिरिकल बैलेड आता है तो वो क्या है, वो एकदम ग्रोथ रहता है, वो ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड है। यहाँ पर डेक्लिनेशन की बात करता है, डिक्लाइनेशन की बात करता है, तो ये जो है डिक्लाइन की बात हो जाएगी माय डियर, ठीक है। आगे की बात करेंगे हम द उबिसंट मोटिफ। ये मोटिफ जो है, जो आपको हैमलेट में मैंने वर्णन किया था, एक बार बताया था, क्या है वो, जो आप देखते हैं ग्रेव डिगर सीन में, ये जितने जब मैं इसको बताता हूँ, अडॉन सॉन्ग फॉर द बिलवेड। तो इसको तो अभी कल ही आपको बताया गया था, ये ओबार्ड है, हाँ इसको ओबार्ड पढ़ते हैं आप। अ गाइडिंग मोटिफ द वेयर आर फार्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास द लोटली लेडी। ये लोटली लेडी वाला कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो आपको लेडी ऑफ बाथ जो चासर का है, तो लेडी ऑफ बाथ वाले में मिल जाएगा ये, हाँ लोटली लेडी जो है, लोटली मतलब घृणास्पद आप जानते हैं। तो ये जो है वेयर आर फार्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट, ये जो है ग्रेप डिगर वाला सीन में, अगर आपको ये मैंने कई बार बताया था इसको, और ये आपको हैमलेट में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मजा आ रहा है, नाउ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थोड़ा आज ही देर हुआ है, लोग आप 10 से 11 ही चलेंगे, आज थोड़ा सा डिले हुआ है, बाकी नहीं, राउट नाउ यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स हाउ इज द जोश, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो योर लेवल ऑफ जोश, ठीक है। ये जो जोश है ना, बड़ा बना के रखो, जोश काम आता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, अगर वो सही कॉन्फिडेंस लेवल है, तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे एग्जाम में। हालांकि ये जो रेशियो है 10 से 12 से, ये 20 से 25 भी हो सकता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा था, जो आंसर था वो उसके बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज नो मॉर्गेनम की बात करेंगे तो फ्रांसिस बेकन का है, और ये फ्रांसिस बेकन एक बड़ा नाम है, क्या बात है। फ्रांसिस बेकन जब आप पढ़ते हैं तो मन में ख्याल आता होगा, अच्छा MPPGT में ऑफ ट्रूथ प्रेस्क्राइब्ड है, आपने ऑफ स्टडीज पढ़ी होगी, ऑफ रिवेंज पढ़ा होगा, तो इनके ज़्यादातर एसेज की जो शुरुआत है ऑफ से शुरू होती है। नंबर ऑफ एसेज की बात करें तो इन्होंने 15 एसेज लिखे हैं टोटल, ठीक है, खैर वो अलग चीज़ है, इनके एसेज को प्रैक्टिकल विजडम कहा जाता है, वो अलग बात है। इल फिलोस्टेटो की बात करेंगे, बोकेचियो का है, ये बोकेचियो की लाइन है, बोकेचियो की पोएम है आप कह सकते हैं, बोकेसियो जिसको आप पढ़ते हैं, जिसका डिकैमरून है। कर्सन मंडी एक 30,000 लाइन की पोएम्स है, और मिनाक्मी प्लॉटस की मिनाक्मी है, तो ये कॉमेडी ऑफ एरर्स आप कह सकते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, ये शॉर्टेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर, इट्स अ शॉर्टेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर माय डियर, शॉर्टेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर, शॉर्टेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर। और बाकी तो फ्रांसिस बेकन को आप जानते ही हैं, और कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्लॉटस ऑफ मिनाक्मी की बात करेंगे, आगे की बात करें, मुल्कराज आनंद डाइड इन द ईयर, मुल्कराज आनंद की डेथ कब हुई, तो ये टेक्निकल बट गुड क्वेश्चन फॉर पीजीडी, पीजीडी के लिए एक अच्छा सवाल है।
आगे की बात करेंगे बिना सोचे समझे, हम आसानी से चलेंगे और ये मुल्कराज आनंद की बात है। आगे चलते हैं माय डियर, लेट्स सी। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क फॉर हिज लॉस्ट रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट डिफेंसिव सिकंडा। तो ये सेकंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, ठीक है। आगे की बात करेंगे हम, तो यहां पर क्या है आपके पास ऑप्शन है एंड योर क्वेश्चन योर आंसर इज C1 ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। गॉट इट माय डियर, आई डिड नॉट एलेबोरेट ऑन दिस मोर। हीरोइक ड्रामा वाज फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू हीरोइक ड्रामा, इवन यू कैन से हीरोइक ट्रेजेडी एज वेल। नाउ यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया। हीरोइक ट्रेजेडी की बात करेंगे हम, हीरोइक ट्रेजेडी की भी बात करेंगे। आई थिंक पेनिस थोड़ा सा कम करता हूँ इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एंग्लो सैक्सन पीरियड, रोमांटिक पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड। तो हीरोइक ट्रेजेडी किस समय पॉपुलर था ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो क्या है रेस्टोरेशन पीरियड, क्या बात है। रेस्टोरेशन पीरियड आप समझते हैं, कम से कम वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाना जाता है। हाँ, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए तो जाना ही जाता है। अब जहाँ पर मैनर्स है वहाँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप, ठीक है। द पुलित्जर प्राइज इज गिवन बाय, गुड क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये अलग बात है कि बहुत पहले पूछा गया था। द अमेरिकन गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लिटरेचर्स, द फोर्ड फाउंडेशन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। तो ठीक है, अच्छी बात है और आप इसको आसानी से बता पाएंगे क्योंकि मैंने कई बार इसको बताया भी है। तो यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, दैट इज योर राइट आंसर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है आपको। आगे की बात, हु लेट्स मैकडफ एंड लेनॉक्स इनटू मैकबेथ कैसल इन एक्ट 2 सीन 3। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सीन है आप कह सकते हैं। और बैंको, मैल्कम, डोनाल्वेन एंड पोर्टर, ऑल दीज आर कैरेक्टर फ्रॉम मैकबेथ, ठीक है। मैकबेथ, ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं आप, ये फोर ग्रेट ट्रेजेडी में मैकबेथ लास्ट में आता है, ठीक है। मैकबेथ लास्ट में आता है, ये किंग लियर हो जाएगा। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है तो ये ओथेलो हो जाएगा। ओथेलो तो आप जानते हैं साहब, और हैमलेट नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा जीवन में, ठीक है। आपने, मुझे पता है कि आपसे, आप में से 90% लोग सिर्फ समरी पढ़े हैं हैमलेट की भी। अच्छा, लिख के बताओ कमेंट में कितने लोग हैमलेट लाइन बाई लाइन पढ़े हैं। ईमानदारी से बताना, कोई झूठ मत बोलना। लिख के बताओ कितने लोगों ने हैमलेट लाइन बाई लाइन टेक्स्ट पढ़ी है, क्या किसी ने पढ़ी भी है? अगर नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, कम से कम चार तो पढ़ी लो यार, ठीक है। तो ये जो है पोर्टर यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर कटियार साहब, शिवम, शिवा, ये सब दे रहे हैं, अपर्णा, ये सब कह रहे हैं पोर्टर है। तो भाई मैं मान ले रहा हूँ कूली नंबर वन हो गया, तो पोर्टर सीन आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो नहीं है आपने, केवल समरी पढ़ी है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैमलेट तो था ही, लाइन बाई लाइन पढ़ी नहीं आपने ना। पढ़ी है तो ठीक है, अब लेकिन ये रेयर केस में मैं देखता हूँ, वो तो सब झूठ बोलते हैं सर। अलग बात है, समरी मत पढ़ो भाई, एक आध प्ले पढ़ लो जीवन में कभी कभी। हु इज मोर सिंड अगेंस्ट देन सेनी इन ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट की बात करें हम, तो ट्वेल्थ नाइट में कौन है जो, जिसके खिलाफ ज़्यादा अपराध हुआ, मतलब जितना उसने गलती करी उससे ज़्यादा सज़ा मिली है? मेलबोली, ओलिविया, सरेंड्री ऑक्चीक। सरेंड्री ऑक्चीक होना चाहिए, हुआ नहीं, ठीक है। और वाइला, ये कहती है यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, ये इसको कहा जाता है सिक ऑफ सेल्फ लव। ओलिविया ने कहा है सिक ऑफ सेल्फ लव, ठीक है, यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव। मेलबोलियो, और ये थोड़ा सा प्योरिटन करेक्टर है जिसकी खिल्ली उड़ाई गई है। मेलबोलियो इज द राइट आंसर। और यहाँ पर भी देखो, चाहे जो कह लो, मुझे, मैं मान रहा हूँ जितने लोग लाइव हैं उसमें से मात्र 10% लोगों ने पढ़ा है, इतना है मैं बता देता हूँ। हाउ मेनी सलीलकीज डज हैमलेट, हाउ मेनी सलीलकीज डज हैमलेट डिलीवर, हाउ मेनी सलीलकीज डज हैमलेट डिलीवर। आपको बताना है,
1, 2, 4, 7. तो यहां पर 7 है, आपको बताना है 7 सेलिलकीज, आपको सब जानना है, एक एक सेलिलकीज की लाइन देख लीजिएगा. I'm moving to the next one. Who said I was born in London of an honest family? I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. John Milton, William Shakespeare, Galsworthy, Wordsworth. My dear, ये बात किसने कही है? Please write down the comment box. ये बात किसने कही है? आपको बताना है. हाँ, 7 सेलिलकीज तो है, लेकिन ये बात किसने कही है? अब आपको ये बताना है. 16 का आंसर बताइए आप लोग. ठीक है, तो यहां पर नाम मिल गया, डिफेंसियो सिकंडा में लिखा गया है. तो ये जो है कह रहा है, जो मेरे पास किताब है नौ है. भाई देखो, दुनिया में बहुत सारी चीजें गलत लिखी गई है, तो अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए. अच्छी किताबों में भी गलतियां हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ चीजों का खुद क्लैरिफिकेशन करना चाहिए. आप नॉवेल वो आप उपले पढ़िए तो समझ में आ जाएगा. Moving to the next one. Thou hast a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free. Who is thou in the above line? इस लाइन में जो दाऊ है, दाऊ क्या बलराम है, कृष्ण है क्या? दाऊ, वो दाऊ कहते थे ना, दाऊ कौन है यहां पर? एक छोटी सी टेक्निकल चली जाने दी, कोई बात नहीं, बता रहा हूं. आपको बताना है, ये जो है आप कह रहे हैं कि ये दाऊ कैन है. यहां देखो, सबने आंसर दिए मिल्टन. तो लंदन 1802 लगभग आप लोगों ने पढ़ी है, वर्ड्सवर्थ की. तो वर्ड्सवर्थ ने तो लंदन 1802 लिखी है ना, लंदन 1802 लिखी है ना. और ये मिल्टन दाऊ सुरेंस पे लिविंग एट दिस टाइम. और कहा किसने है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है. किसके लिए कहा है? मिल्टन के लिए कहा है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं. ठीक है माय डियर, इसको आसानी से हल्के में मत लेना आप, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा. आगे की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क सैमसन एग्निस्ट? सैमसन एग्निस्ट का क्या मतलब है? कोई कहे आजा आजा सैमसन वाला जो है, इसका क्या मतलब है आपको बताना है. थीस्ट, वन हू डज नॉट बिलीव इन गॉड. तो ये जो है, वन हू डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हू बिलीव्स इन गॉड. यार मैं तो गलत पढ़ दिया, वन हू बिलीव्स इन गॉड, जो खुदा में विश्वास करता है उसे ये कहते हैं. वन हू क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. एंटागनिस्ट या प्रोटागनिस्ट का एंटानिम. तो यहाँ पर आप देखें, रेसलर है, चैंपियन है, जो भी आप कर पाएं वो अच्छा रहेगा. आगे की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट वन द नोबेल प्राइज. इसमें से नोबेल प्राइज कौन नहीं जीता है? ठीक है, आपको बताना है, हु हैज नॉट वन द नोबेल प्राइज. ऐसे आसान है, इसमें से एक ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है ना, नोबेल प्राइज नहीं जीता है. और उस बंदे का नाम क्या है? मुल्कराज आनंद. मुझे लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में, तीनों का सीक्वेंस लिख के बताओ. 1948 में इनको मिला, इसी के तुरंत बाद 49 में मिला है किसको, और उसके बाद 54 में मिला है किसको, किसको मिला है ये 1948 लिखना चाहिए. टीएस एलियट को मिला है, इनको तो मिला नहीं है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है. और इन तीनों का सीक्वेंस क्या है, किसको नोबेल प्राइज किस सन में मिला है? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी लिख के बताओ. आई विल वेट, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तीनों का लिख के बताइए कि कब इनको मिला है नोबेल प्राइज, तो बता दिया है. अब 49 में किसको मिला है, उसके बाद कब मिला है, 54 में किसको मिला है. वेरी गुड. देखो, बंसलोचन बैरागी बड़े कलाकार आदमी है भाई. हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ पोएम द एक्सकर्सन 1816. ये पोएम का नाम नहीं है, ये तो इस समय पब्लिश हुई थी. बाई सेइंग दैट दिस विल नेवर डू,
रिपीटेड क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माई डियर, ठीक है। कॉलरीज रॉबर्ट सदी सेली फ्रांसिस जेफरी, तो ये जो है चूंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्होंने लेक पोइट या लेकर शब्द को कॉइन किया था, लेक पोइट या आप लेक पोइट्स या लेकर शब्द आप जानते हैं, हालांकि इन्होंने पिजोरेटिव सेंस में किया था, पिजोरेटिव का मतलब होता है नेगेटिव, तो ये जो होता है फ्रांसिस जेफरी ने किया था, ठीक है। इन्होंने ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया था और आप काफ़ी बेहतर बता रहे हैं। 10 मिनट आज ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि उधर काफ़ी मैं समय ले लिया था। और इफ़ आई वर नॉट द स्टार्ट शुड आई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट टू डिके, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, माइकल टेंटन नेवी द प्रिलूड लंडन 1802। क्या बात है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस मोमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, वट कैन बी द राइट आंसर, प्लीज आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर माई डियर, आई विल वेट फॉर यू आंसर, बट बिफोर दैट आई वुड लव टू हैव सम वाटर, ठीक है भैया। ओके थैंक यू वेरी मच माई डियर, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच पोएम एंड आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर एंड योर आंसर इज वॉट। मेनी ऑफ यू हैव गिवन माइकल, बट आई थिंक मुझे लगता है कि आप टिंटर ने भी बताते तो मुझे अच्छा लगता, और कई ने देखो आरिफ कह रहे हैं टिंटर ने भी है, गजेंद्र कह रहे हैं कि माइकल है, मतलब टिंटर ने भी की लाइन मत भूला करो, टिंटर ने भी इज अ गुड, ओ नार पर चांस इसके पहले वाली लाइन है टिंटर ने भी, ठीक है। इसकी पूरा टाइटल भी याद कर लो, 13 जुलाई 1798, उसका डेट भी याद कर लो, वाई रिवर की विजिट करते हैं, ये सब याद कर लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एपिक, दिस इज ऑल्सो अ प्रीटी गुड क्वेश्चन, द एक्सकर्सन, द प्रिलूड, पैराडाइज लॉस्ट, द सॉलिटरी रिपर। इसमें दो पोएम को आप लाइन लाइन कुछ सेक्शन में पढ़ सकते हैं, दिस इज अ पोएम इन 9 बुक्स, अ पोएम इन 14 बुक्स, पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक इन 12 बुक्स, द सॉलिटरी रिपर आप लाइन बाई लाइन पढ़ सकते हैं क्योंकि छोटी है, आपको पढ़ना चाहिए, बट आपका आंसर क्या है, आई विल वेट फॉर योर आंसर एंड यू हैव गिवन व्हाट। साइकोलॉजिकल एपिक की बात करेंगे तो प्रिलूड, इट केम इन 1805, गॉट पब्लिश इन पोस्ट्यूमसली ओनली 1850, राइट, तो द प्रिलूड इज द राइट आंसर। एंड नाउ मोर क्वेश्चंस टू गो हियर, हु कॉल्ड जॉन कीट्स टैडपोल ऑफ द लेक, टैडपोल मेंढक के बच्चे को कहते हैं, टैडपोल ऑफ द लेक किसको कहा है, कीट्स को किसने कहा है, बायरन, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, सेली। हु कॉल्ड जॉन कीट्स, जॉन कीट्स को टैडपोल ऑफ द लेक किसने कहा है, प्रिटी गुड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सवाल है ये। अगर हम बात करें हु कॉल्ड जॉन कीट्स टैडपोल ऑफ द लेक एंड योर आंसर इज बायरन, बायरन को हल्के में मत लेना, ही वॉज अ ग्रेट राइटर, ही वॉज अ ग्रेट पोइट, बहुत बड़े पोइट की श्रेणी में इनको आप रख सकते हैं, हल्के में तो नहीं ले सकते, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम, कीट्स रोड अ सोनेट ऑन अकेजन ऑफ अ पर्सन बीइंग रिलीज फ्रॉम जेल, हु इज दैट, एक आदमी जेल से छूटा था, ऑन द डे ही लेफ्ट जेल, इस तरीके के सोनेट लिखा था, थॉमस ग्रे, चार्ल्स ब्राउन, जोसेफ सेवर्न, लेहंट, ये सब उनके फ्रेंड थे थॉमस ग्रे को छोड़ करके। थॉमस ग्रे तो प्री रोमांटिक पोइट रहे आप कह सकते हैं, लेकिन बड़े ट्रांजिशनल पोइट रहे, लेकिन बड़ी क्लासिक पोइम लिखी है, एनालॉजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जोसेफ सेवर्न, चार्ल्स ब्राउन उनके फ्रेंड रहे, लेहंट भी उनके अच्छे दोस्तों में रहे, लेहंट द एग्जामिनर जो पीरियडिकल था उसके लिए उसके एडिटर रहे, चीफ एडिटर रहे आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें आंसर क्या था आपका, और यहाँ पर सब लोगों ने डी बताया है, लेहंट, और ये डी हंट, लेहंट ही सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, वॉल्ट विटमैन इज नोन एज अ पोइट ऑफ अमेरिका, पोइट है ये कम से कम, ओ कैप्टन माई कैप्टन आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो बहुत गलत काम किया है, पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। और डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, सेक्स, तो हालांकि उन्होंने बात तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को छोड़ करके सब करी है, लेकिन जो ओवरऑल उनको माना जाएगा तो ओवरऑल उनको हम डेमोक्रेसी का पोइट मानते हैं, ठीक है। और 5 मिनट और लूँगा आपका, देखिए थोड़ा जल्दी कर दिया, टाइम पूरा हो गया। हु इज़ ऑफ द व्यू नहीं, ऐसा सवाल नहीं, हु इज़ ऑफ द व्यू होगा तभी सेंटेंस बनेगा, हु इज़ ऑफ द व्यू दैट लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, साहित्य अपने आप में पुरस्कार है, गालिवर्दी, मार्लो, शाह, इब्सन। हालांकि शाह का भी कुछ ऐसा ही राय था, लेकिन कहा किसने है ये बात, गालिवर्दी ने कही है, ठीक है, तो ये बात तो गालिवर्दी ने कही है।
Tomorrow creeps in this petty page from day to day to the last syllable of recorded time, and all our studies have lighted fool the way to dusty death. Out, brief candle, life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. Aforesaid lines is spoken by Macbeth Ukraine. A line, tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last recorded syllable of time, and all our studies have lighted fool the way to dusty death. Out, big candle, life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. ये sound and fury का title जो है, ये जो है, आप कह सकते हैं, William Faulkner के novel का है. ये line कहाँ पर आती है? Act 3, scene 1, Act 5, scene 5, Act 4, scene 1, Act 5, scene 3. तो आपका Act 5, scene 5 ही है. ये philosophy of life, ये Macbeth की philosophy of life है. फिलोसफी ऑफ लाइफ की बात करी गई है, तो आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो मज़ा आ गया साहब. ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है. पूरे लाइन में कम से कम 5 फिगर ऑफ स्पीच हैं. पांचों मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मत जानो, लेकिन बताया है. ठीक है, आगे. हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन Shakespeare, sleep alone. Being lonely and being alone, both are different things. Right? Being lonely means you are pining for someone's company, and you don't have. Being alone means you are totally alone. There is nobody around you. In just an instance of, in a situation of getting sainthood. So, ye Ben Jonson, Michael Drayton, John Dryden, William Bass. ठीक है माय डियर, मज़ा आ गया आपको. नाउ वंस अगेन राइट डाउन हाउ वाज़ द जोश. फ्राज, फ्रेलिडी थाई नेम इज वुमन, बेवफाई तेरा नाम ही औरत है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये धर्मेंद्र की एक मूवी आई थी साजिस, उसमें ठीक इसी का ट्रांसलेशन इसी डायलॉग में कहा गया, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है. हैमलेट अपनी मदर के ऊपर कहता है. ठीक है, तो ये तो हो गया. लास्ट क्वेश्चन, द कोट, लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड. And therefore is being Cupid painted blind. पंखों वाला क्यूपिड जो है ब्लाइंड पेंट किया गया है. तो आप कह सकते हैं, अमिट समर नाइट ड्रीम, लव्स लेबर लॉस्ट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंड नहीं है द मेरी वाइफ जो बेंडसर, सारे के सारे अपने आप में यूनिक है. मैं सवाल भी पूछ लेता हूँ कॉमेंट बॉक्स में, ऐसी क्या बात है भाई पूछ लेता हूँ. और यहाँ पर आप देखें, आई विल वेट फॉर योर आंसर माई डियर, एंड हियर इज योर आंसर. योर आंसर इज वॉट. और यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हैं माई डियर, इट इज अमिट समर नाइट ड्रीम. क्या बात है, कल भी यहां से सवाल था अमिट समर नाइट ड्रीम. ठीक है, ये मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ तो ताकि आप समझ जाए करो, अमिट समर नाइट ड्रीम ही है. और तो बाकी ठीक है. और आज का सवाल है कि क्या पूछूं, विच इज द फर्स्ट पोएम बाय वर्ड्सवर्थ की पहली कविता कौन सी थी. राइट डाउन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मैं ऐसे ऑफ द कप पूछ ले रहा हूं, सवाल तो पता होना ही चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, और हाँ, ट्रस्ट मी एंड बी ट्रस्टेड. ठीक है, आप लगे रहिए. MP PGT अगर आप डिजर्व करते हैं तो यू मस्ट अप्लाई, प्लीज. दिस इज अ ह्यूज वैकेंसी. मामा जी ने अपने सारे भांजे और भांजियों के लिए बड़ा दिल दिखाया है. मंग CM साहब की बात करें, चौहान साहब की, तो उनको सब मामा जी कहते हैं. हमारे यहाँ जो हैं, हमारे यहाँ बाबा जी हैं, वहाँ मामा जी हैं. अब बाबा जी का जलवा अलग है, मामा जी का जलवा अलग है. मामा जी ने तो कर दिया, अब बाबा जी से उम्मीद है. थैंक यू.